अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। के हाल है सारे दोस्तों का? जनाब सब ठीक ठाक ने? सेहत भी ठीक ठाक है। ये जी साढ़े फार्म के उत्ते नए बच्चों की आमद हो गई, रौनक लग गई ने जी। अगले बच्चे माशाल्लाह तकरीबन साढ़े चार महीने के हो गए हैं। ये जी दोबारा पिछे साड़ियाँ कुछ बकरियां सोईया ने, रौनक मेला लग गया जी एक बार फिर माशाल्लाह। इन्हों में जी जे सत बच्चे ने उन्होंने जी चौकर ते चने का छिलका असं शुरू कर दिता है, ते बाकी बच्चे जड़े ने ना वो जड़े ने सिर्फ दुध ही अजे पी रहे हैं, क्योंकि वो छोटे ने थोड़े जे, क्योंकि छोटे बच्चे जड़े ने उन्होंने फिर वो अजे नहीं खाण दे। तकरीबन 20-22 दिन बाद शुरू कर देता बच्चा जड़ा ना वो खाना। तो गल करने जी इन्हों की मोटैलिटी की, बच्चों जी मोटैलिटी है वे और समझो कि ज़्यादा ही है। उसकी वजह की है कि बच्चों ने डकना इन्हों की मोटैलिटी फड़ना थोड़ा जहा औखा हो जाता है। इस वास्ते जी असं आप तकरीबन कल 3 बच्चे ज़ाया कर लेने, जो हकीकत हो दसनी चाहिए। उसकी वजह की है जी कि जितने तकरीबन जी जे बच्चे साढ़े ज़ाया हुए हैं ना वो एक ही वजह नाल ज़ाया हुए हैं सारे। इस समय जो ना जिन मतलब कि बन पै जाता है, बंद हो जाते हैं बंदिश कब्जी जिन कह लो, उसकी वजह ना वो जी। असं काफ़ी जोड़ा है ना शरबत भी इस्तेमाल किए ने, काफ़ी यूज़ किए ने सीरप भी, मेडिसन भी काफ़ी यूज़ की, लेकिन एक रिजल्ट इस असी पहुँचे कि अगर पहले हफ्ता सारा 7-8 दिन बच्चे ने फीडर के नाल दुध पिला लिया जाए तो बहुत ही बेस्ट होंगे, क्योंकि बकरी थले पता नहीं चलता कि कितना उन्हें दुध पी रहा है या कितना उस बकरी थले आया, कोई अंदाजा नहीं दवा होंगे। या तो एक दिन बकरी चो के देख लो 2-3 बारी कितना वो थले दुध, फिर तुम गैस हो जाएगा। इस वास्ते जी बेस्ट यही है कि जिनी देर तक बच्चे की ओदरी के कंडे नहीं ना बनते, उन्नी देर तक तुम कोशिश करके फीडर नाल दुध पिला लो। तो नाल जी ग्राई वाटर का बहुत जरूरी है इस्तेमाल, बहुत ही जरूरी है। सुबह शाम दोवे टाइम छोटे बच्चों ने 5-5 सीसी ग्राई वाटर बहुत ही जरूरी समझने अभी जी। किसी सिरप की किसी चीज़ जरूरत नहीं, हफ्ता सारा दुध जो फीडर नाल पिला लो, उस तो बाद जी इन्होंने ग्राई वाटर दे लो। जैसे जैसे जी नाल नाल जेड़ा जेड़ा तजर्बा होगा असं इंशाल्लाह लोगों नाल जरूर शेयर करांगे अपने दोस्तों भाइयों नाल, ताकि वह भी मुश्किलात जिहड़ियां उन्हां नूं पेश आ रही ने उन्हां तों बच जां। हुण जी हुण इन्हां नूं तकरीबन असं दुध पिलाण तों पहले 1 घंटा जिहड़ा असं ग्राई वाटर पिया दिता है, टाइम हो गया बिल्कुल दुध पिलाण दा हुण इन्हां दा। तो इस वास्ते इन्हां नूं हुण असीं ग्राई वाटर जिहड़ा दे दिता सुबह मॉर्निंग च भी जी। सवेरे जे सुबह आ वीदा है फार्म दे उत्ते, सब तों पहले काम ही वर्कर दा जी आमदन साल, सब तों पहले दुध पिलाणा इन्हां। जिस वेले जो दुध पिला लैंदा है सॉरी ग्राई वाटर पिलाना, फिर जी 1 घंटे बाद 1/2 घंटे बाद असं पट्ठे शट्ठे पा के जानवरों, उस तो बाद असं फिर शुरू कर दें इन्हों दुध पिलाना, ताकि इन्होंने भी गुजर जाता है। ये जी एलीवेटर इन्हों का सब बनाया, क्योंकि बच्चे जी मिट्टी का बहुत ही सुवार है साढ़े को, जानवर खैर सारे बच्चे खाते हैं। जी 12 लग जाए ने, रौनक लग जाए ने। अच्छे जी थोड़े फार्म का मुस्तकबिल ने, इन्होंने थोड़ा सारा सिस्टम चलना है। ग्राई वाटर जी बड़े ध्यान नाल पीते हैं बच्चे साढ़े, तकरीबन जी बाकी मौसम का थोड़ा बाला बुखार होंगे बच्चों, बाकी ज़्यादा इशू नहीं दिया जाता। सब तो ज़्यादा जी इस मौसम सामने मतलब इशू आया वो यही आया जी बंदिश का, थोड़े पै गए ने बच्चे हूँ क्योंकि दुध का भी टाइम इस वास्ते जड़ा नहीं चिल मस्ती कर रहे हैं बराबर जी। सब नी तो यही आखनी है जी कि छोटे बच्चे ने ग्राई वाटर जी एहतियात नाल हफ्ता सारा दुध जोड़ा करो फीडर नाल पिला, अगर तो दन गैस एक साड़ी बकरी थले कितना हो कितना पी रहे फिर पिला दो। अगर दन गैस नहीं आया 2-3 बंदे ने दुध पिलाने वाले, अद्धे शाम को एक बच्चे ने होर पिला वर्कर सुबह होर पिला, इस वास्ते फिर बेहतर यही है जी कि तुम इस ग्राई वाटर ला लिया करो, सब तो बेहतरीन यही वो वास्ते जी बहुत ईजी रहेगा। थैंक यू जी।